वैशाली जिला राजद के सभी कार्यकर्ता विधान परिषद प्रत्याशी सुबोध कुमार राय के पक्ष में गोलबंद हो गए हैं। बोले तेजस्वी यादव पटना। राजद के वरिष्ठ नेता विष्णुदेव राय एवं उपेंद्र राय के साथ एक बयान में तेजस्वी यादव ने कहा कि वैशाली जिला के सभी कार्यकर्ता विधान परिषद चुनाव को लेकर गोलबंद हो गए हैं। वैशाली से एमएलसी चुनाव के लिए पार्टी द्वारा सुबोध कुमार राय को, पार्टी के एकता और मजबूती के लिए पार्टी का निर्णय हुआ है कि एमएलसी के चुनाव लोकल बॉडी के वैशाली जिला सुबोध कुमार राय को लड़ाने का फैसला लिया है, उसका सब लोग कबूल करते हैं और पार्टी की मजबूती के लिए मानते हैं। वैशाली जिला लोकल बॉडी के उपेंद्र राय पूरे तरीके से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए कार्य करेंगे। सुबोध कुमार जी को जो लड़ाने का फैसला पार्टी ने लिया है उसको सब लोग जो है कबूल करते हैं, मानते हैं और पार्टी के मजबूती के लिए पार्टी को वैशाली जिला लोकल बॉडी चुनाव कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिताने के लिए बड़े भाई उपेंद्र जी पूरी तरीके से पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करेंगे और आगे हम सब लोग इनको हमने बोला भी है कि विश्वास लेते हुए कि आगे चल करके सभी लोगों का पार्टी जो है आगे भविष्य में ख्याल रखने का काम करेगी, सबको मान सम्मान जो है देने का काम करेगी। तो बड़ी खुशी हुई कि जो मैसेज जो जा रहा था कुछ विरोधी द्वारा कुछ ताकतें ऐसी लगी थी जो चाहती थी कि भाई तरह तरह का उल्टा सीधा काम हो, लेकिन सब लोग हमारी पार्टी विष्णुदेव जी से लेकर के उपेंद्र जी और सभी हमारे कार्यकर्ता उस जिले के वैशाली जिले के सभी हमारे विधायक सभी मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य सब लोग अब गोलबंद हो गए हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि आज जो है ये हमसे मुलाकात करके सुबोध को सहयोग करने का इन्होंने वादा किया है और हमने भी सुबोध कुमार का जो नामांकन है 14 तारीख को हम खुद भी वैशाली आ रहे हैं और हमने निमंत्रण दिया है, ये भी वहाँ उपेंद्र जी भी वहाँ पहुँचेंगे। सभी वैशाली की जनता को हमारा नमस्कार है। सभी जनप्रतिनिधि मुखिया वार्ड सदस्य सरपंच सब लोगों को हम नमस्कार अदा प्रणाम करते हैं और